पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आई है जहां थोड़ी देर में उपचुनाव को लेकर के बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर के ये बैठक लेंगे। सीएम आवास पर ये उपचुनाव को लेकर के बैठक रखी गई है। प्रभारी मंत्रियों के साथ उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। सभी 10 सीटों के 30 प्रभारी, सह प्रभारी और मंत्री यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। हर सीट पर एक कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री को यहाँ पर दायित्व सौंपा गया है। यूपी में फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव है और 22 अक्टूबर को बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। तो ये तमाम जानकारियां जो है ये सामने आ रही है। 25 अक्टूबर उपचुनाव नामांकन की अंतिम तिथि रहने वाली है। तो प्रभारी मंत्रियों के साथ उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाएगा, ये बैठक रखी गई है। सभी सीटों के 30 प्रभारी सह प्रभारी मंत्री यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। वही अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तमाम रणनीति को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। लखनऊ में थोड़ी देर में उपचुनाव को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर के ये बैठक लेंगे। वही अगर बात करें तो सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर के ये बैठक रखी गई है। इसके साथ प्रभारी मंत्रियों के साथ उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। वही अगर बात करें तो सभी 10 सीटों के 30 प्रभारी सह प्रभारी मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें लखनऊ में थोड़ी देर में उपचुनाव को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और सीएम योगी उपचुनाव को लेकर के ये बैठक रह रहे हैं। इसी के साथ साथ तमाम प्रभारी जो हैं इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर के ये बैठक रखी गई है। प्रभारी मंत्रियों और के साथ उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, रणनीतियों को डिस्कस किया जाएगा। सभी 10 सीटों के 30 प्रभारी सह प्रभारी मंत्री यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो लगातार 10 सीटों को लेकर के जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के बीजेपी अलर्ट मोड पर है। थोड़ी देर में उपचुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक देखने को मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर के ये बैठक करने जा रहे हैं। इसमें प्रभारी सह प्रभारी और मंत्री जो है वो शामिल होने वाले हैं। सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर के ये बैठक रखी गई है। प्रभारी मंत्रियों के साथ उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और ये बड़े अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। सभी 10 सीटों के 30 प्रभारी सह प्रभारी मंत्री जो है यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो आपको बता दें इसको लेकर के तमाम जानकारियां जो है वो सामने आ रही है और लखनऊ में थोड़ी देर में इस बैठक का आयोजन किया जाने वाला है। सीएम योगी उपचुनाव को लेकर के ये बैठक कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर के ये बैठक रखी गई है। वहीं अगर बात करें तो प्रभारी मंत्रियों के साथ उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। वहीं अगर बात करें तो इसको लेकर के लगातार तमाम प्रभारी मंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सभी 10 सीटों के 30 प्रभारी सह प्रभारी मंत्री जो है यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो आपको बता दें लखनऊ में थोड़ी देर में ही उपचुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक होने जा रही है। इसी के साथ साथ सीएम योगी उपचुनाव को लेकर के ये बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और यहाँ पर सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर के ये बैठक रखी गई है। इसी के साथ साथ प्रभारी मंत्रियों के साथ उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो सभी 10 सीटों के 30 प्रभारी सह प्रभारी मंत्री यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो ये तमाम जानकारियां जो है ये सामने आ रही है। लखनऊ में थोड़ी देर में उपचुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी निकिता हमारे साथ मौजूद है। निकिता, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? कब तक ये बैठक की शुरुआत होने वाली है? 10 सीटों के प्रभारी जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्या रणनीति इस बैठक में बनती हुई दिखाई दे सकती है? निकिता, बिल्कुल
बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश में होने वाले बाय इलेक्शंस को लेकर के, और इसी सिलसिले में जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी ने कुछ ऐसे जगह है जहां पर अपने कैंडिडेट्स को फील्ड में उतार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मंथन का सिलसिला है अभी भी बरकरार है, क्योंकि सोच समझ के अपने कैंडिडेट्स फील्ड में उतारना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद दिल्ली में नामों को लेकर के मंथन हुआ, और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास 5KD पर एक बैठक बुलाई है, जिसमें हमने साफ तौर पर देखा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगर बात की जाए, तो ये सभी लोग अंदर गए हैं। मंथन होगा, विचार होगा, विमर्श होगा, जिस तरीके से कहां पर अपनी स्पेशल 30 टीम को जिस तरीके से लगाया गया था, आज भी नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विजुअली हम दिखा सकते हैं, हमारी मौजूदगी इस वक्त सीएम आवास पर ही है, जहां पर लगातार जो मंत्री हैं वो धीरे धीरे अंदर पहुंच रहे हैं, और उपचुनाव को लेकर के सीएम ने 30 मंत्रियों को सभी 10 विधानसभा में उतारा था जहाँ चुनाव होने वाले हैं, और अब 9 विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, तो आज नए सिरे से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और माना ये भी जा रहा है कि जिन मंत्रियों को उपचुनाव में जो विधानसभा दी गई थी वहां लंबा प्रवास करने को भी कहा जाएगा, और इसके अलावा वोटर लिस्ट हर घर संपर्क के साथ भाजपा संगठन को कोऑर्डिनेशन, और साथ ही कोऑर्डिनेशन के साथ उपचुनाव जीतने का जो मंत्र है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। मंत्रियों को इसी सप्ताह से चुनाव वाले विधानसभा में डेरा डालना होगा, तो फिलहाल जो बैठक है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, सभी लोग लगभग अंदर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक लेंगे, और कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार हमारी बात भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी से हो रही है, और क्योंकि कल नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी जल्द ही, या कह सकते हैं इसी हफ्ते 3-4 दिन में जो कैंडिडेट्स है, जो लिस्ट है, उसकी सूची भी कर देगी। और साथ ही साथ सहयोगी दलों की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD मीरापुर जो सीट है वो यहाँ पर देने की बात की गई है, लेकिन संजय निषाद की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वो भी आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, संबोधन करेंगे, और अब ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद जो 2 सीटों की मांग कर रहे हैं इस उपचुनाव में, उनको कोई सीट देती है या नहीं, या सिर्फ एक सीट ही RLD को देगी अपने सहयोगी दल को, और बाकी पर खुद ही चुनाव लड़ेगी, देखने वाली बात ये होगी। हालांकि जो आज बैठक है उसमें एक चेहरा काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं अलायंस की बात करूं समाजवादी पार्टी कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी देखा गया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, एक सीट छोड़ दी गई है मिल्कीपुर, और वहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस की कि 4 सीटें उनको मिल जाएंगी, और डिमांड उन्होंने 5 की थी, लेकिन एक सीट को फिलहाल होल्ड पर लगा दिया। अब साथ ही साथ एक और कैंडिडेट उतार दिया गया, यानी कि 7, अब 2 सीटें पे ये डिमांड हुई है कि कांग्रेस को अब 2 सीटें मिलेंगी, गाजियाबाद और खैर। अब अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनके कंधे का सहारा लेके लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सीटें कब्जा की थी, और यहाँ पर वो ऐसा क्या अब कारनामा करते हैं, ये देखना है फिलहाल। तभी खैर और गाजियाबाद की जो सीटें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा रहा है, अगर खैर की बात करूं 2017 से भारतीय जनता पार्टी का वहां कब्जा रहा है, तो ये भी एक नई स्ट्रैटेजी है, ये भी एक मंथन है, और इन्हीं सब मंथन को करते हुए, इन्हीं सब स्ट्रैटेजी को करते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुला ली है। क्या कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी प्रभारियों को, ये देखना होगा। कौन से कैंडिडेट्स पे फाइनल मंथन हुआ है, जो पैनलिस्ट बने थे 3-3 को लेकर के, ये मंथन होगा, तो कहीं ना कहीं आज मोस्टली पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और 1-2 दिन में जो कैंडिडेट्स हैं उम्मीद है कि उनको भी मैदान में उतार दिया जाएगा बाय इलेक्शंस को लेकर के। आयुष जी, निकिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम जानकारियां जो है विस्तार से निकिता ने आपके सामने रखी।